2002 में पूरा दुनिया में एक ही बात चल रहा था कि एक पेपर बेचने वाला कैसे प्रेसिडेंट बन गया। हमारा पड़ोसी देश जब परमाणु और सैटेलाइट का प्लान कर रहे थे तभी हमारा देश में सुपुत्र का जन्म हुआ। कैसे एक मामूली बच्चा हो सकता है प्रेसिडेंट, देखिए पूरा कहानी। हमारा देश का लोकप्रिय राष्ट्रपति और ग्रेट साइंटिस्ट जिन्हें को हम मिसाइल मैन नाम पे जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका इस सफलता का पीछे सबसे बड़ा हाथ उनका माँ का था। जब बचपन में स्कूल पर टीचर ने आसमान पर उड़ते हुए पक्षी को दिखाकर कहा कि इस पक्षी इतना आसानी से आसमान पर उड़ रहा है तो हम क्यों नहीं, उस समय से कलाम सपने देखने लग गए कि मुझे भी एक दिन आसमान पर उड़ना है। ये बात आके वो माँ को बताए। माँ ने कहा, बेटा सपना वो नहीं जो रात को नींद पर आए, सपना वो है जो रात को सोने ना दे। उस दिन उनका माँ ने उनका आँखों में जो सपना देखा वो सपने को पूरा करने के लिए बेटा का खाने पीने से पढ़ाई तक सब का ख्याल रखा। उनका परिवार बहुत ही बड़ा होने का कारण सब लोग खाने का बाद रोटी कम पड़ जा रहा था। उनका माँ हमेशा चाहता था कि बेटे को अच्छा पौष्टिक खाना देने के लिए, इसलिए वो कभी कभी खुद ना खाते हुए रोटी बेटे को खिलाते थे। जब ये बात कलाम को उनका भाई ने बताया तो कलाम भाग कर जाके माँ का गले लग गए और रोने लगे। माँ ने उनको आँखों से आंसू पूछ कर कहा कि बेटा तेरे को रोना नहीं है, तेरे को भारत माँ का कर्ज निभाना है। परिवार गरीब होने का कारण रात को 2 घंटे का तेल होता था लंठन लगाकर पढ़ने के लिए। बेटा का पढ़ाई में इंटरेस्ट देखते हुए माँ खुद अंधेरे में काम करके और 2 घंटे के लिए खुद का लाइट जला रहा था। माँ साथ में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद लेके जाया करते थे और घर पर भगवत गीता के बारे में समझाते थे। इंसान एक ही है, जाति धर्म कुछ नहीं होता है, इसलिए कलाम हमेशा पास वाला मंदिर पर गीता का ज्ञान सुनने जाया करते थे। ये सारा माँ कही हुई बातें उनका लाइफ को बहुत ही स्ट्रांग बनाया। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम का, जब देश में इमरजेंसी हुआ तो रामेश्वरम देखे जाने वाला ट्रेन उस वक्त उस स्टेशन पर नहीं रुकता था, तो न्यूज़पेपर आने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। उस वक्त कलाम को खर्चे के लिए बहुत ही पैसा का जरूरत था, तो कलाम ने उस वक्त आगे वाला स्टेशन से पेपर लेके रामेश्वरम में बेचा करते थे और बेचते बेचते न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लिया करते थे। में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था मैं माँ। जब मैं घबराया तब तू अपनाया, तेरी चुनरी ही साया था माँ। मेरे रग रग में तेरा नाम है माँ, तू ही मेरे दिल की सांस हो माँ। तंदानी नाने तारे नंदारो तारे नाने नो, है रंदानी नाने तारे नंदारो तारे नाने नो। अपनों को खोए हैं, अपनों को खोए हैं, इनको इंसाफ मिलता नहीं। खून भी बह गया, चैन भी उड़ गया, डर मिटाने वाले कोई नहीं। तुझे को इनके खुदा बन के रहना, तुझको करता हूँ मैं यकीन। तंदानी नारे तारे नंदारो तारे नारे नो, है रंदानी नारे तारे नंदारो।
15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक गरीब मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका नाम दिया गया अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम था APJ अब्दुल कलाम। ए अबुल उनका परदादा, पी फकीर उनका दादा, जी जैनालाब्दीन उनका पिताजी का नाम था। ये थे हमारा देश का 11वीं सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति। 2002 से 2007 तक वो कार्यभार संभाला था। वो ये कहा करते थे कि देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम का पीछे वाला सीट पे भी मिल सकता है। ये बात है उनका बचपन की। वो जब स्कूल में पढ़ने गए थे तो आगे वाला बेंच पर उनका दोस्त के साथ बैठे थे। वो जब टीचर आके देखे कि मुसलमान का बच्चा एक मुख्य पुरोहित का बच्चा का साथ आगे वाला बेंच पर बैठा है तो नाराज होकर उनको पीछे बैठा दिया। उस वक्त उनको बहुत ही बुरा लगा। तो उस दिन वो संकल्प लिया कि मैं पीछे बैठकर पूरा दुनिया बदलूंगा। एक दिन एक स्टूडेंट ने उनको पूछा, सफल होने के लिए क्या जरूरत है? उन्होंने जो कहा वो आपको लाइफ चेंज कर देगा। पहला ग्रेट एम, पहले एक अच्छा सपना देखो। दूसरा हो गया एक्यूर नॉलेज, उस सपने को पूरा करने के लिए नॉलेज गेन करो। तीसरा हो गया हार्डवर्क, नॉलेज को एग्जीक्यूट करने के लिए कठिन परिश्रम करो। चौथा हो गया पर्सिवरेंस, जो कि दृढ़ता रखो काम पर, जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक नेवर गिव अप। ये बात है उस समय की जब कलाम DRDO में काम करते थे। उस टाइम DRDO में बिल्डिंग के सुरक्षा के लिए उनका साथ काम करने वाला कुछ लोग दीवार में टूटे हुए कांच लगाने की सुझाव दिए थे। जब कलाम को इस बात पता चला तो एक काम तुरंत ही रोक लिया, क्योंकि उस दीवार पे बैठने वाले पग ही घायल हो सकते थे। IIT के एक सभा में उनको एक चीफ गेस्ट रूप में बुलाया गया था। जब वो आके देखे कि उनके लिए एक स्पेशल चेयर लगाया गया है जबकि बाकियों के लिए सिंपल चेयर लगा था, वो खुद उन चेयर को हाथ में हटाकर वो सिंपल चेयर में बैठ गए। कलाम को एक रिपोर्टर ने पूछा, आप शादी क्यों नहीं की? कलाम ने कहा कि मेरे को रॉकेट साइंस ज़्यादा आसान लगा शादी से, इसलिए मैं शादी नहीं की। यही सवाल जब एक बच्चों ने पूछा तो कलाम शाह ने कहा, मैं शादी कर लेता तो आज मैं मेरा बच्चों के साथ पढ़ाने में व्यस्त होता। तुम लोग के साथ बात करने के लिए आज मेरा पास टाइम नहीं होता। एक्चुअली बात यह है कि कलाम कोई भी काम करते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। जिस दिन उनका शादी था उस दिन वो उनका लैब में व्यस्त थे और वो भूल गए कि उनका शादी था। उस दिन से वो शादी नहीं की। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई का समय माँ खुद का गहना बेचकर कुछ पैसा दिए थे खर्चा के लिए। उसका बाद कलाम ने स्कॉलरशिप का अप्लाई की और जब स्कॉलरशिप पाने के लिए प्रोजेक्ट सबमिट की तो लेक्चर ने कहा, आपका प्रोजेक्ट में कुछ कमी है, मॉडिफाई करके लाओ। इस मॉडिफाई के लिए कलाम ने एक महीना का वक्त मांगा क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर नहीं था। लेक्चर ने कहा कि 3 दिन में इस काम को पूरा करना होगा, नहीं तो आपका स्कॉलरशिप को कैंसिल करना होगा। कलाम पूरा तरीके से डर गए थे और खाना पीना भूलकर इस प्रोजेक्ट में ध्यान दिया। उसको 3 दिन का अंदर वो प्रोजेक्ट भी सबमिट किया। जब इस चीज़ देखे लेक्चर ने तो बहुत शौक में आ गए थे क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इतना कम टाइम में पूरा करना नामुमकिन था। इसलिए कलाम हमेशा कहते हैं, कभी कभी डरना भी अच्छा होता है। एक दिन नासा वालों ने अब्दुल कलाम को अमेरिका बुलाया। जब अब्दुल कलाम अमेरिका गए तो नासा वालों ने कहा, आप नासा में काम कीजिए, हम आपको नासा का चीफ बना देंगे। ऐसे ही इंडिया में है क्या? वहाँ पे तो मिसाइल साइकिल में लिया जाता है। इसका जवाब ने कलाम ने कहा, आपका पैसा का हम करेंगे क्या? मेरा पास एक ही चीज़ है, वो है भारत माँ, और वो भी आप छीनना चाहते हैं। इसका कुछ सालों का बाद हॉलीवुड मूवी में खर्चा होने वाला बजट से भी कम खर्चा में हमने लॉन्च किया सैटेलाइट, जो कि रहा बहुत ही बड़ा सक्सेस। पूरा दुनिया हो गया शॉक। जर्मनी, इटली, फ्रांस, कई सारा देश रिक्वेस्ट किए उनका सैटेलाइट हमारा सैटेलाइट में देने के लिए। विश्व में भारत का इस पावर के पीछे बोले कलाम का देन है। ये दिन था 27 जुलाई 2015। हमारा देश का सुपुत्र हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनका लाइफ का हर बातें हमें आज भी प्रेरणा देता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इस मेमोरियल को हमारा सरकार उनका श्रद्धांजलि वास्ते बनाया है। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और हमारा देश का रत्न का जीवन गाथा को जितना ज़्यादा होगा शेयर कीजिए, और मेरा चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
जय हिंद।